मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब, मुझे वो अस्पताल नहीं ले जा सकता क्योंकि बाहर तेज तूफान है और राजेश ने हुकुम से ये कहा कि वो मेरे इलाज के लिए दुर्गा को घर भेज दे, और ये दुर्गा मेरे इलाज का बहाना लेकर मेरे घर पे चली आई और मेरे ही सामने मेरे पति राजेश के करीब जाने लगी। मैंने तो दुर्गा से ये तक भी कहा कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, वो मेरे कमरे में आकर सो जाए, बाहर तेज तूफान है और सुबह होते ही तुम अपने घर चली जाना। लेकिन ये दुर्गा मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और राजेश के कहने पर कमरे में चली गई। मैं सारी रात रोती रही। मैं यहाँ अपनी जिंदगी का इंसाफ मांगने आप लोगों के सामने आई हूँ। मेरी जिंदगी में जो कुछ होना था वो हो गया, लेकिन ये लड़की दुर्गा, इसने पाप किया है, किसी के होने वाले पति के साथ रात बिताई है, तो क्या ये अब समाज में खुला घूमेगी, अपने घर वापस जाएगी? इन सब का फैसला आप सभी को करना होगा।